पिछले समय के करोना आया तो उदों भी बहुत सारिया अफवाह तो बहुत सारा यह जहाँ कुछ लोग चक्करां दे विच पए। लंपी स्किन की बीमारी गावां दे विच इक आ रही है जिदे करके लोग बड़े परेशान ने हैरान ने या कह लो कि अज लोगों नूं कोई राह नहीं दिखाउंदा राह नहीं नज़र आ रहा क्योंकि हुण साडे लोकां कोल कोई गाइडलाइन है ही नहीं। गाइडलाइन देनी की ने है सरकारां ने सिस्टम किने देना सरकारां ने भी कोई भी यह जी समस्या आउंदी है तो सब तो पहला तुसी डॉक्टरां कोले जाओ ना कि बाबियां कोले साधां कोले चेलियां कोले तंत्रां कोले। दोस्तों जदों साढ़े समाज दे विच कोई यह घटना वापर जाती है कोई बीमारी कोई महामारी फैल जाती है या कोई होर यह जहाँ कुछ घटनावां हो जांदियां ने तो उदों उहदे नाल नाल बहुत सारिया अफवाह अंधविश्वास के चलदे बहुत सारिया अफवाह भी फैलनियां शुरू हो जांदियां ने। जिवें हुण पिछले समय के करोना आया तो उदों भी बहुत सारिया अफवाह तो बहुत सारा यह जहाँ कुछ लोग चक्करां दे विच पए। अज लंपी स्किन की बीमारी गावां दे विच इक आ रही है जिदे करके लोग बड़े परेशान ने हैरान ने या कह लो कि अज लोगों नूं कोई राह नहीं दिखाउंदा राह नहीं नज़र आ रहा। इस सारे वर्तारे का जिम्मेवार कौन है? इस सारे वर्तारे का जिम्मेवार है साडा इत्थों दा सिस्टम जिहड़ा साडा सिस्टम लोगों की पिछले 75 सालों से इन्नी भी समझ नहीं पैदा कर सकिया कि वो लोग किसी मुसीबत दे विच जो किसी मुसीबत आई तो वो किवें मतलब जिहड़ा हैगा अपना वो कर सकन। सही गाइडलाइन अज तक देन दे विच साडा शासक वर्ग साडा प्रशासन असमर्थ रहा। हुण जिहड़ी मैं गल कर लग्या हैगा कि लंपी स्किन की बीमारी फैल गई पशुओं के तो बहुत सारिया अफवाह बहुत सारिया मतलब टूने टोटके टामने होर बाबे संत ये वो बहुत कुछ कट्ठे हो गए जिहड़े अपनिया तोरी फुलका चलाउण वास्ते लोगों नूं पहला भी गुमराह करते सीगे तो अज भी गुमराह कर रहे हैं क्योंकि हुण साडे लोगों कोल कोई गाइडलाइन हुण जिहदा पशु धन का नुकसान हो रहा है जिहदा पशु धन बर्बाद हो रहा है वो बेचारे किधर नूं जाणा उहनूं दसण वाला कोई नहीं गा तो फिर वो यह जे टूने टोटकों के चक्करों के पै जाते हैं। अज जिंद मतलब लख रुपए की पशु 2.5 लख रुपए का पशु मौत के मूँह चलिया गया तो वह तो मतलब बंदा दुखी है हैरान है परेशान है उसकी परेशानी का हल कौन करूगा उसकी परेशानी का हल करना सरकार ने सिस्टम ने। चलो गल किसी पासे होर जा रही है मैं इतने गल कर दिया भी जी लंपी स्किन की बीमारी पशुओं से चली है तो एक हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया से बहुत व्डे पद्धर से जुड़िया होया तो बहुत मेरा बड़ा दायरा हैगा तो बहुत सारे लोग मैं सवाल करते हैं मेरे को फोन आते हैं तो अज भी मेरे को कुछ इदा के मतलब आए है कुछ फोटोज आई है फोटो आई ने जिदे पता नहीं बच्चा है कि औरत है कि कौन है कि मर्द है कि कौन नहीं है वो मतलब जोड़ा है लत्तों से पैरों से लाल लाल दाने बने हुए हैं तो पहला भी यह चीज़ ना चल रही थी जो लंपी स्किन की बीमारी चली है तो उदों यह चली सी सोशल मीडिया के उ भी भाई बीमार गऊं का जोड़ा है मतलब तुम दुध डेयरिया च ना पाओ तुम ना ये करो क्योंकि लोगों से भी बीमार गऊं का दुध जोड़ा है वह मनुखा शरीर में बीमारी लाऊगा। इतने मैं एक गल तुम दस देव कि मेरी बहुत सारे डॉक्टर गल हुई है तो बहुत सारे डॉक्टर की इंटरव्यू भी चल रही है। एक गल तो यह हैगी है कि पशु का जोड़ा वायरस हैगा वह मनुख च नहीं आता तो मनुख का जोड़ा वायरस हैगा वो पशु च नहीं जाता। सो इस करके जोड़ा ये चल रहा है अफवाह चल रही ने वो निर्मूल ने उन्होंने कोई
मतलब गलबात है नहीं, कोई शक्ति है नहीं, कोई मतलब दम है नहीं गा। हुण आपां गल नूं लंबी ना करिए, आपां अगली गल ते आउणा हैगा कि मेरे एक दोस्त दा फोन आया गा, उसदे बेटे नूं इह जिहड़ियां जिहड़ियां छाले छूले निकले हैगे ने उहदे निकलदे ने लोकां दे, उहने दस्सिया कहिंदा ज़्यादातर बच्चों के निकलते हैं, ये पैरां ते होर ते सारे पूरे शरीर ते वह आ जाते हैं। उस दे बेटे नूं जिहड़ी हुण बीमारी दा वह वीडियो घूम रही अपना फोटुआं घूम रही ने, वो कहिंदा जी मेरे बेटे नूं अप्रैल दे विच इह चीज़ होई सी, उह शायद दिल्ली दे किसी वड्डे हस्पताल च लैके गया सीगा, ते उत्थे डॉक्टर ने इलाज किया, वो कहिंदे जी इह मतलब बीमारी पहलां तों है और चलती है, एक हफ्ते दे विच इह बीमारी ठीक हो जाती है ट्रीटमेंट दे नाल। ते जिहड़ी इह अफवाह फैलाई जा रही हैगी है वी उह गाइयां दे दुध पीण नाल इह बीमारी फायदा होगी, इह बिल्कुल गलत है, निर्मूल है, इहदे विच कोई दम वाली गल नहीं है, इहदे नाल कोई बीमारी नहीं फैल रही। अगली गल, जे किसी नूं कोई इहो जी समस्या आउंदी है तां उहदियां फोटोआं खिच के, हुण साडे इक ना सोशल मीडिया ने, मैं पिछली वीडियो 'च गल कीती सी कि सोशल मीडिया ने भारत दा बेड़ा गर्क करता, कोई चीज़ नूं वी असीं फोटो खिच ली, वीडियो बना ली, बना के सोशल मीडिया ते पाती, ना असीं उहनूं सोचिया, ना समझिया, ना पड़ताल कीती, ते वो लोगों अगे दी अगे दी मिंटों सकिंटों के इन्नी ज़्यादा शेयर हो जाती है, तो लोग इन्ने दहशत आ जाते हैं। दोस्तों यह जी गल दे तो ग्रेज करो, पहला पड़ताल करो किसी गल का, तो आप उस बीमारी की गल करते हैं भी वह बीमारी पहला भी हैगी है, तो पहला भी होंगी सी, वो जो किसी होगी दो चार होगी तो कोई एडी अहम गल नहीं है, वह गावों के दुध नाल नहीं होगी। अगली गल जी गावों के दुध की गल करते हैं, जदों आप किसी चीज़ को घट्टो घट भी 80 तो 100 डिग्री तापमान के उत्ते उबालते हैं, रेंदे हैं, पकाने हैं, तो उहदे विच जिहड़े वायरस होंदे उह खत्म हो जाते हैं। इस तरह दुध ने उह गावों का, उन्हां गावों का दुध मतलब हुण मैं भी पी रहा, तो वह जदों असीं उहनूं उबालांगे गैस के उत्ते चुल्हे के उत्ते, तो वह जे उस वायरस होणगे भी तो वह खत्म हो जाएंगे, वो वायरस साढ़े शरीर पर असर नहीं करते। सो ये गल्लां बिल्कुल अफवाह ने, डॉक्टर भी ये गल्लां कह रहे हैं, डॉक्टर बार बार ये उन्होंने वीडियो चल रही ने, पर साढ़े लोगों की एक मानसिकता बन गई, यही मानसिकता बन गई कि जिहड़ी कोई अफवाह हैगी है कुछ नहीं विचारना, कुछ नहीं सोचना, धड़ाधड़ शेयर कर देना। सो मेरा कहने का मतलब है कि गल बड़ी लंबी चौड़ी ना हो दोस्तों, कि ये जिहड़ी वह घूम रही है फोटो घूम रही है सोशल मीडिया के उत्ते, जिहड़े उत्ते मतलब पिंडे दे दाने निकले हुए है, उस दा गाइयां दे दुध नाल कोई तालुकात नहीं है, वह बीमारी पहला हैगी है। हुण बीमारी दा नां की है, चलो क्योंकि मैनूं वीडियो हुण थोड़ी जी जल्दी जी बनाउणी पई, इस करके मैं किसी डॉक्टर नाल गल नहीं कर सकिया, कारण है कि उस अफवाह नूं रोकीए, पर जिन्नी कि मैनूं जानकारी मिली है उस उन्हां मरीजां तों, मेरे उस मित्र तों जिहदे बच्चे नूं अप्रैल दे विच इह बीमारी होई सी, सारा कुछ इदां ही होया सी, वो इदों भी कहना कहिंदा कि चलो हुण ना बहुत सारिया साढ़े लोग देखणगे, पर दसना भी जरूरी हैगा कि शरीर तो लैके लैटरिंग वाली थान तक भी वह बीमारी चली जाती है, तो लैटरिंग दे विच भी दिक्कत आने लग जाती है। सो ये बीमारी पहला हैगी है, इस बीमारी का जिहड़ा लंपी स्किन नाल कोई तालुकात नहीं है। इको गल है भी दुध कच्चा ना पीओ, उबाल के पीओ, कोई फर्क नहीं पैंदा। और मेरी साडी बेनती है तरक्सिल सोसाइटी वालों कि यार यह अफवाह ना फैलाओ, यह पोस्टा एवें ना घुमाओ, अगे दे अगे लोग पहले डरे हुए ने, लोगों का धन पशु धन जोड़ा है वो मतलब जो कहते पशु मर रहे हैं, लोगों का धन बर्बाद हो रहा है, लोग परेशान ने, तो जो यह अफवाह फैला देने हैं तो लोग होर दहशत आ जाते हैं, तो दहशत आए लोगों का होर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों ये नुकसान ना करो, ये साड़ियां सरकारां दी, साड़े सिस्टम दी, इत्थों दे प्रबंध दी नाकामी है कि जिहड़ी साड़े लोकां दी 75 सालां विच ये सोच नहीं बना सके कि जदों साड़े ते कोई इहो जिहा मुसीबत आउंदी है, कोई इहो जिही चीज़ चक्कर आउंदी, क्योंकि साड़ी एजुकेशन ही नहीं इहो जिही दित्ती किसे नूं, एजुकेशन दे विच ही कमी है कि एजुकेशन ही इहो जिही दित्ती कि लोग समझदार बन सकन, क्योंकि जे लोग समझदार बन जाणगे तो फिर इहनां दा जिहड़ा भ्रिष्ट शासन हैगा ते भ्रिष्ट दा जिहड़ा सारा कुछ ताना बाणा हैगा तो उहदे सवाल करन लग जाणगे। इस करके लोगों नूं उस चक्कर दे विच ही रख्या गया, उत्थे तक सीमित रख्या गया,
तो उस सीमता ही साडे लोगों लिए मुश्किलों का कारण बन रही है। तर्कशील सोसाइटी पंजाब पिछले 37 साल तो यही कोशिश करती आ रही है, यही समझाती आ रही है, तो मैं भी यही कोशिश करता हूँ वीडियो बना के पाना है, साढ़े होर भी साथी वीडियो बना के पाते हैं। तो एको एक बेनती मैं लास्ट करना चाहता है भी कोई भी यह जी समस्या आती है तो सब तो पहला तुम डॉक्टर को जाओ, ना कि बाबों को, साधा को, चेलिया को, तंत्र को, क्योंकि बाबे तो यह जे मौके का फायदा उठाते ही है, फिर वो काढ़े घोल के थोनू देंगे, थोनू होर चीज़ा देंगे, तवीता अगे देंगे। उत्थे साढ़े लोगों की जान की भी चलो आप समझते हैं, असी समझते हैं कि मजबूरी है, क्योंकि लोगों को यहोजा लोगों को प्रबंध ही नहीं दिता गया। सो गल किसी पास होर जा रही है, बड़ी लंबी गल हो रही है। मैं एक बेनती करा दोस्तों कि इस चीज़ में तुसी उस पासे वाल लैके ना जाओ। ये जिहड़ी बीमारी है जिहड़ी बच्चों हो रही है जां जिहदी ये फोटो घूम रही है, इहदा लंपी स्किन नाल कोई लेना देना नहीं है। ये बीमारी पहला भी हैगी है, ये हुंदी है, तो जे किसी नूं हुंदी है तो डॉक्टर कोल जाओ, किसी भी MD डॉक्टर कोल जाओ, जाके उन्हें दिखाओ, चैकअप कराओ, वो टैस्ट कराओ, तो वह बीमारी जिहड़ी हैगी है ठीक हो जानी है। तो एवें दीआं अफवाहां ना फैलाओ, अफवाहां तों बचो। फिर भी जे हैगा तो साडी तर्कशील सोसाइटी दा नंबर साडे जिहड़े डायरैक्टर ने चैनल दे डॉक्टर मजीद आजाद जी वो जारी करते हैं, उत्थे तर्कशील TV चैनल दे ते भरो तुसीं जाके फेस अपने YouTube दे उत्ते ते उत्थे तुहानूं नंबर मिलेगा। तुहानूं किसी प्रकार की जानकारी चाहिए है तुहानूं जानकारी मिलेगी, तो एवें अफवाहां ना उड़ाओ, एवें चक्करां विच ना पाओ। इन्नियां गल्लां करते हुए मैं इजाजत चाहुंदा, अगे आपां कोई होर विशा जिहड़ा लैके तुहाडे नाल फिर रूबरू होवांगा। बहुत कुछ इहो जिहा पिया हैगा, सानू सियाने होना पैना, सानू सियाने बनना पैना, तो असी सियाने फिर ही बनांगे जेकर असी तर्कवादी सोचा अपनावांगे। तर्कवादी सोचा तो भाव यह नहीं गा असी नहीं कहिंदे भी यार तुसी मतलब जिहड़ा असी गल कहने गए उन्हां गल्लां दे उत्ते गौर जरूर करो, सोचो, विचारो, तो अपने दिमाग नाल ही सोचो। तुहाडे कोल भी दिमाग बहुत है, सिर्फ इनू पॉजिटिव लाओ, पॉजिटिव वाले पासे सोचो। तो आज जो इदां दीआं अफवाहां ने, ये जिहड़ी चीज़ां ने, बीमारियां ने, शमारियां ने, इहदे विच बहुत कुछ पिया गा। वातावरण प्रदूषित भी जिहड़ा हैगा असी कीता हैगा, पानी प्रदूषित कीता हैगा, धरती प्रदूषित कर दित्ती हैगी है, उहदे विचों ही सारा कुछ निकल रहा है। तो ये सानूं ही सोचना पैना है, सोचांगे तां जे असी विज्ञानिक सोच अपनावांगे। सो गल बाली लंबी ना करते हुए मैं एक गल कहांगा दोस्तों कि इस बीमारी का मनुखां दे शरीर नाल कोई संबंध नहीं गा। दुध तुसीं पीओ, ये गल डॉक्टर भी कह रहे हैं, तो कि दुध नूं उबाल के पीओ चंगी तरह, तो उहदे विच कोई वायरस नहीं रहूगा। जदों किसी चीज़ नूं उबालदे आ उहदे वायरस खत्म हो जाते हैं, कीटाणु खत्म हो जाते हैं, तो जिहड़ियां बाकी दीआं बीमारियां ने ओह मतलब जिवें हुण चमड़ी वालियां आ रहियां ने, बच्चे वाली बीमारी आ रही हैगी है, ये वक्रिया बीमारियां ने बंदे नूं, ये पहला भी सीगी किसी टाइम के उत्ते, क्योंकि जिहड़ा साडा शरीर है इहदे विच हज़ारां करोड़ां वायरस ने, जिहड़े विज्ञानी कहिंदे ने करोड़ां वायरस ने, किहड़ा वायरस एक्टिव हो के वड्डे पद्धर ते बीमारी दे रूज फैल जे ये कोई पता नहीं। सो ये गल बहुत लंबी चौड़ी है, इहनूं समझण दी लोड़ है, समझण दी कोशिश करो। तो एको बेनती है कि इहियां अफवाहां तों बचो, किसी नूं कोई समस्या आउंदी है तां डॉक्टरां कोल जाओ, ना कि इहनां बाबिआं कोल, साधां कोल, चेलिआं कोल, तंत्रां कोल, उत्थे जा के आपदा इलाज कराओ, तुहाडा इलाज, तुहाडा ट्रीटमेंट होगा। अगली आपां गल करांगे कि इह इन्नियां भयानक बीमारियां फैल के हो रहियां ने, इह सारा कुछ वातावरण दी देण है, उह किवें हैगी है, उह मैं अगली वीडियो दे विच तुहाडे रूबरू होवांगा लैके सारे मसले दी गल।